अगमान भाई ये बांग्लादेश से हैं और ये हैं रोहित भाई ये इंडिया से हैं, ये जीती हुई टीम से हैं और ये हारी हुई टीम से हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं नाज़रीन। बांग्लादेश की इंडिया के खिलाफ रिमार्केबल विनिंग पे बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ, बहुत खुशी हुई। क्या गेम की है बांग्लादेश ने, क्या खेलें। 11 साल बाद एशिया कप में बांग्लादेश ने इंडिया को हराया, पिछाड़ा है। उस वक्त भी सचिन तेंदुलकर ने 100 किया था और इंडिया हार गया था। और इस बार शुभमन गिल ने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बावजूद इंडिया हार गया। अभी ये हमारे साथ दो बंदे हैं, एक भाई बांग्लादेश से हैं और एक भाई इंडिया से हैं। इन दोनों से पूछते हैं कि इस मैच के बाद इनके कैसे व्यूज़ हैं। जी जनाब, ये हैं अरमान भाई, ये बांग्लादेश से हैं, और ये हैं रोहित भाई, ये इंडिया से हैं। ये जीती हुई टीम से हैं और ये हारी हुई टीम से हैं। हाँ जी, पहले जीती हुई टीम से पूछते हैं, क्या हसीन है? हसीन ऐसे कि आप पाकिस्तान से हैं। हाँ जी। और ये इंडिया से है ना? तो जिस टाइम पाकिस्तान इंडिया से जीतते हैं ना, उस टाइम कैसे मौसम होता है आपको? ओह माय गॉड, अमेजिंग, बहुत अच्छा। आपको पता है वो तो क्रिकेट राइवल हुई है ना, बहुत, जैसे क्या है कि ईद का मौसम आ गया। हाँ, सही है ना? Exactly. सेम हमारा भी ऐसे होते हैं। अच्छा, जिस टाइम इंडिया से जीत जाता है ना, हमारे उधर अभी ईद मना रहे होगा शायद। अच्छा, तो इंडिया इंडिया में क्या हो गया? इंडिया में बांग्ला में बोलता हूँ, सबाई की ईद मुबारक, इंडिया का और बेशी बेशी हराओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ईद मुबारक और ज्यादा हराओ। और मेरे को टेंशन भी नहीं था, क्योंकि पिछले जो सीरीज था उसमें भी इंडिया हार के आया था बांग्लादेश से, इधर भी हार गया भाई। ये लोग कुछ हारेगा भी बांग्लादेश से? 11 साल बाद एशिया कप का भाई, अभी जो रनिंग चल रहे है उसका देखो, उसमें क्या हो रहा है? क्या उसमें तो सीरीज खेल का ये वो भी हार गया, ये भी हार रहे, तो फिर बांग्लादेश ने काफी इंप्रूव किया, बांग्लादेश की क्रिकेट काफी इंप्रूव किया। हमारा कप्तान अच्छा आ रहे हैं अभी। अभी ये भाई साहब हैं, ये रोहित भाई हैं इंडिया से। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? छोटे छोटे शहरों में ना बड़ी बड़ी बातें होती रहती। तो मतलब ये बड़ी बात है फिर? हैं, क्या बात है भाई? बड़ी बात है ना, मतलब बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया भाई। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, और 10 साल में 11 साल में एक बार बांग्लादेश हरा दिया, वोट अभी क्या है? कुछ नहीं तो है। बड़ी बात है ना, पहले भी तुम लोगों को मेरा जो कहना था मैंने कह चुका हूँ। ठीक है, मतलब एशिया कप का हिसाब है ना, वो तो इसके पहले से हार के आया हो भाई, भाग रहे हो। ये देखें भाई, हमारे इंडियन भाई भाग रहे, मतलब बात ही नहीं करना चाहते। ये देखें, ये निकाल रहे कर रहे, आप भी पाकिस्तान होकर आप भी हार के तो पहले। जी नाज़रीन, बात ये है, बात ये है नाज़रीन, वेट 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 वेट, मजे के बात बोलते, मजे के बात बोलते नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है ना, पहले पाकिस्तान का क्या बोलते हैं, विमान पकड़ लिया, पहले चला गया पाकिस्तान, पहले चला गया था। देखें, बात ये है, अभी पाकिस्तान को भी बोल रहे हैं। देखें जी, बात ये है कि क्रिकेट है, क्रिकेट है, मतलब ये जब तक ये थोड़ी थोड़ी बहुत अवेलेबल ना हो, मजा नहीं आता। ठीक है, बाकी इंजॉय द क्रिकेट, क्रिकेट को इंजॉय करें। बांग्लादेश अमेजिंग क्रिकेट, रिमार्केबल परफॉर्मेंस बांग्लादेश की बैटिंग और बॉलिंग के तरफ से, और शुभमन गिल की बहुत कमाल की बैटिंग। लेकिन ये है कि बस वो हार गए, कुछ नए लड़कों को ट्राई किया था, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी एफर्ट, बहुत जबरदस्त एफर्ट भाई। शुभमन गिल को बोल रहे सही है, साकिब का बोलो भाई, मेरा कप्तान का बोलो। हाँ, उसके बाद सकीब अल हसन ने जो बैटिंग की, क्या बात है, उसने रिमार्केबल 80 रन्स की इनिंग्स खेली, बहुत मजा आया मैच देखने का। तो बस आपको ये कहते हैं कि क्रिकेट को प्यार करें, क्रिकेट को एंजॉय करें, और क्रिकेट के वसीले से एक दूसरे से मोहब्बत रखें। थैंक यू सो मच।